फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति सिंह और आज मैं लाई हूं आपके लिए एक ब्रेकफास्ट रेसिपी जो है भरपूर पौष्टिक आहार और कैल्शियम से भरपूर। जी हां, हम बात कर रहे हैं दलिया की। बड़ों और बच्चों के सबके लिए है फायदेमंद। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। दलिया बनाने के लिए हमें चाहिए दलिया जो कि हमने धो लिया है। हमने प्याज, टमाटर और मिर्च को बारीक काट लिया है। हम कर रख देंगे, इसे ऑन कर लेंगे, इसको हम सब्जी पे सेट कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे घी। हम दलिया घी में भी बना सकते हैं और तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं घी में बना रही हूँ, वो आपकी चॉइस है। घी मेल्ट हो गया है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, एक पिंच हींग। जीरा भून गया है, उनके डालेंगे प्याज, प्याज को हम भून ले लेते हैं थोड़ा। प्याज भून रही है इसलिए हम डाल देंगे इस हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी थोड़ा भूनने देंगे। प्याज भून गई है, अब इसमें डालेंगे हम हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा छोले मसाला। अगर आपके पास आमचूर है तो आप आमचूर डाल सकते हैं, नहीं तो छोले मसाला डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम कटे हुए टमाटर और अब डालेंगे नमक, नमक होगा स्वाद अनुसार। इसको हम थोड़ा भूनने देते हैं, इसको थोड़ा ढक देते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं, हमारे टमाटर भून गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे दलिया, थोड़ा सा पानी, अब इसमें थोड़ा दलिया डाल लेंगे। इसमें और पानी डाल लेंगे। अगर आप थोड़ा पतला दलिया खाना पसंद करते हैं तो पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब कर देंगे कुकर बंद। और हम सीटी आने देते हैं। अब हम कर देते हैं इसे ऑफ और इसका खुलने का वेट करते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब कुकर चेक कर लेते हैं, इसकी सीटी निकल गई है। इसको खोलते हैं, दलिया देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसको सर्व करते हैं। इसमें डाल देंगे हम घी। अब हम इसे धनिया से थोड़ा गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड, कैसी लगी ये रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।